फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नत्ती व्लॉग्स एंड हैप्पी संडे। तो आज का व्लॉग है कुछ स्पेशल है। कल रात में मेरी बड़ी वाली बेटी जो रांची में पढ़ती है उसने फोन किया था कि पापा प्लीज कुछ स्पेशल खाने का मन हो रहा है, और वो बाहर का बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता। कल रात में डिमांड किया था कि पापा कुछ खाने का बहुत मन हो रहा है घर का, तो आप प्लीज मेरे लिए कुछ मम्मी के हाथ से बनवा के लेकर आइए। तो आज मैं उसके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो वो मैं जब ही जो मैं बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, और जब वो उसके पास पहुंच जाएगा देन वो शूट करके बताएगी कि उसको कैसा लगा है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि अचानक से उनका क्या एकदम से मन हुआ है जाने का। तो कल रात में बेटी आपको बोली कि पापा कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ मेरे लिए लेकर आइए, तो कैसा आपको कैसा अचानक से कैसे मन किया बेटी के लिए? आज क्या है, संडे है, छुट्टी का दिन है, तो क्या बोलते हैं इस बीच बेटी से मिल के आ जाएंगे तो बेटी को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो उसको कुछ खाना बोले कि सुबह बना के दीजिए। हम पेरेंट्स का यही जिम्मेवारी बनती है, ड्यूटी है कि बच्चे के जो ख्वाहिश हो उसको पूरा कीजिए और उसको प्रोत्साहित करते रहिए, ताकि उसे भी लगे कि नहीं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतने मेहनत करके आ रहे हैं। तो उसको धीरे धीरे जवाबदेही उसको भी एहसास होगा, और हम लोग किसी को जवाबदेही बोल के एहसास नहीं कराते हैं। जब किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो उसे अपने आप एहसास होती जाती है कि हमारे पेरेंट्स हमारा कितना केयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर खुद एक आता है कि नहीं, रेस्पेक्ट पेरेंट्स के प्रति, बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट आया है। मंचूरियन के लिए मैंने इसमें गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स को सबसे पहले ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम लोग 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 टेबलस्पून इसमें हम लोग पेपर डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। बॉल बनाने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल करती हूँ, इससे बॉल बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। अब इसको हम लोग ऑयल में डीप फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे। फ्राइड राइस के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल या घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ गोटा गरम मसाला, जैसे कि इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, लौंग, दालचीनी और जीरा, गोटा जीरा मैंने मिलाया है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें गाजर और बीन्स को डाला है। इसको तब तक पकाना है जब तक कि हल्का ये नरम ना हो जाए। अब इसमें हम लोग मटर मिलाएंगे। अब इसमें हम लोग चावल मिलाकर अच्छी तरह से इसको चलाएंगे, और इसमें फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पानी का जो क्वांटिटी होगा वो चावल से जस्ट डबल होगा, तो जितना हम लोग चावल लेंगे उसका जस्ट डबल हम लोग पानी डालेंगे, और इसको हम लोग 20 से 25 मिनट तक सिम में पकाएंगे। अब हम लोग मंचूरियन की ग्रेवी बना रहे हैं, तो सबसे पहले ऑयल में मैंने प्याज को डाला है, 1 बड़ा प्याज, उसको मैंने स्क्वायर में काटा है। और अब इसमें हम लोग शिमला मिर्च मिलाएंगे, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट मिलाया है इसमें। अब नमक स्वाद अनुसार, सब्जी को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून पेपर डालेंगे, इसमें फिर 1/2 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, सेजवान सॉस इसमें मिलाएंगे हम लोग 2 टेबल स्पून। और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम लोग 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम लोग 1 बड़ा ग्लास से पानी डालेंगे, और अब इसमें हम लोग चिंग्स का मंचूरियन ग्रेवी जो आता है वो डालेंगे।
मंचूरियन ग्रेवी को उबाल आने तक पकाएंगे और उसके बाद हम लोग इसमें बॉल्स मिलाएंगे। बॉल्स मिलाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा देर तक हमें उबालना नहीं है, ज़्यादा उबालने से क्या होगा कि ये टूट जाता है, तो इसको 2 या 3 उबाल आने तक ही हम लोग पकाएंगे। अब जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो ये है मशरूम रबाबदार, बट ये मैं रेसिपी कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो गए थे और ट्रेन का टाइमिंग हो गया था, तो ये जस्ट मैं जो रिकॉर्ड कर पाई मैं बस उतना ही दिखा पा रही हूँ। अगर ये रेसिपी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी बनती है, तो ये ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अभी के लिए तो बस मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई बस उतना ही दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये पूरा रेसिपी कंप्लीट नहीं था। अब देख सकते हैं मैं कितनी हड़बड़ी में इसे बना रही हूँ और बस रेडी टू गो। तो ये फ्राइड राइस हो गया, मशरूम की सब्जी मैंने रेडी कर लिया था, मंचूरियन और ये कुछ मैंने स्नैक्स पैक किया था, तो ये सारा कुछ मैंने पैक कर लिया है और अब इसको भेज रही हूँ बेटी के पास। गाइस मैं आज यहाँ से शूट कर रही हूँ अपने हॉस्टल से, बिकॉज आज मेरे पापा आने वाले हैं मिलने के लिए, खास खाना है जो कि हम बहुत दिन से मिस भी कर रहे थे। सो आइए अब मिलते हैं उनसे। सो गाइस ये सब पापा लेके आए मेरे लिए आज, कुछ सामान ज़रूरत का सामान एंड ये खाना घर का, ये सब क्या मिक्सचर है, बिस्किट्स चॉकलेट्स एंड खाना ऑफ कोर्स। आप आज आए कि संडे को अपना ये टाइम निकाल करके और कि मेरे से मिले, खाना लेके आए आज मेरे लिए, थैंक यू सो मच। पापा अभी जा चुके हैं, पापा बस थोड़े टाइम के लिए आए थे मेरे से मिलने के लिए, सामान दिए एंड थोड़े देर के लिए बैठे मेरे साथ में, हम बातें किए, तो बहुत उनकी मज़ा भी आया एंड बहुत अच्छा लगा। मतलब कि पापा का ये वीक में 2 बार कि मिल चुके हैं मेरे से आ करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो आए मिलने मेरे से। थैंक यू सो मच कि आप आए हमसे मिले और उनकी जो देख लिए बस मेरे साथ के रहे, टाइम स्पेंड किए, उससे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। ये रहा मम्मी के हाथ का घर का खाना, मशरूम पूरी मंचूरियन फ्राइड राइस, बहुत टेस्टी बनाई है और बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। सो थैंक यू सो मच, मैं जाती हूँ खाने के लिए, बाय बाय। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना आज तू सजना वे, अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना आज तू सजना वे, खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे, खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे,